हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, सबसे पहला सवाल है यूपी की जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको लेकर, और बिहार की जो नई शिक्षक भर्ती आई है जिसमें प्राथमिक में भी है, 9th-10th की भी वैकेंसी है और 11th-12th की भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये सवाल है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब बिहार भर्ती में जब अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया था, उसके बाद मैंने बताया था इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने कमेंट किया था कि सर यूपी में भी उम्मीद लग रही है कि भर्ती आ जाएगी, ठीक है, और बिहार में भर्ती आ गई है, तो कहाँ पर हमें फॉर्म भरना चाहिए या फिर किसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, फॉर्म तो बिहार का मतलब फॉर्म भरना चाहिए या फिर सिर्फ यूपी की प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने बिहार का फॉर्म भर दिया और फिर यूपी में भी आ गए तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बिहार का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, बिहार में बिहार स्पेशल को छोड़ के बाकी रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ये सारी चीज़ें सेम हैं, सिलेबस बिल्कुल एक तरीके से सेम है, चाहे यूपी का सुपरटेट ले लें चाहे बिहार का प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले लें। ठीक है, सिलेबस लगभग सेम है। मेरे हिसाब से आप सभी को फॉर्म भरना चाहिए बिहार की शिक्षक भर्ती में, क्योंकि बिहार में जो है वो सामने है, मतलब भर्ती आ चुकी है, आपके पास एक मौका है सामने, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो यूपी की है वो अभी एक उम्मीद है कि साल के अंत तक आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाती तब तक 100% उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद पूरी है कि भर्ती आ जाएगी साल के अंत तक। अभी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनिमय समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी इसके ऊपर बात हुई थी, नई भर्ती प्रक्रिया के ऊपर। ठीक है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। ठीक है, तो अब देखिए, उम्मीद पूरी है कि भर्ती आएगी यूपी में, लेकिन आपको अभी बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहिए। अगस्त के लास्ट तक आपका, अगस्त के लास्ट में आपका 24 अगस्त से पेपर, शायद इसकी एग्जाम डेट दी गई है, हो सकता है इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, सितंबर के आसपास जाए, लेकिन उससे पहले यूपी में कोई भर्ती नहीं आनी, ये मान के चलिए कि साल के अंत तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है बिहार स्पेशल को छोड़ के, इसलिए आप सभी को फॉर्म भरना चाहिए। अगर इसके बाद यूपी में भी भर्ती आ जाती है तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक, तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।